नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं चंदन पटेल। और देखिए, आप यहां पे ऑल मेल पे अगर जाएंगे तो आपको ये एक नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा जिसमें डॉग्स यहां पे डिपॉजिट सक्सेसफुल हुआ है। आप देख सकते हैं, यहां पे मैंने जब क्लिक किया तो यहां पे मेरे को दिख रहा है। देखिए, ये मैसेज आया है, सॉरी मेल आया है। देखिए, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि जो मेरा डॉग्स है वो क्रेडिट डिपॉजिट हो चुका है ऑलरेडी। जो मेरा ट्रेडिंग अकाउंट है उसमें डिपॉजिट हो गया है, सक्सेसफुल हो गया है। चलिए हम देखते हैं, ये बाई बिट पे भी मैसेज आया है और हम देखते हैं कैसे क्रेडिट हुआ है। पहले हम चलते हैं, देखेंगे, बाई बिट पे जाएंगे या आपका जो भी एक्सचेंज होगा आप उस पर जाएँ। और देखिए, दो जगह ये दिख रहा है। पहला तो यहाँ पे आप देखिए एसेट्स हैं, मेरा एसेट्स में दिख रहा है। एसेट्स अगर मैं नीचे करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पे डॉग्स मेरे पास आ चुका है, ठीक है। और कुछ लोगों का यहाँ पे इस जगह दिख रहा है, जो स्पॉट है यहाँ पे, स्पॉट पे यहाँ पे दिख रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इधर आपको दिख रहा है। और हमें देखिए करना क्या है, अगर आज इसका 5:30 बजे जब ये खुलेगा तो हमें करना क्या है, मैं आपको बता दूं कि ये जो है आप यहाँ पे सीधे मार्केट पे क्लिक करें, एक्सपोर्ट पे। एक्सपोर्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सबसे पहले आप यहाँ पे डॉग्स ढूंढें। डॉग्स किधर है, यहाँ पे आप जाएं होम पे और यहाँ पे लिखें डॉग्स। देखिए ये कमिंग सून दिखा रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कमिंग सून। अब हम यहाँ पे कमिंग सून वाले पे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए जो टाइमिंग चल रही है वो आपको यहाँ पे दिखा रहा है। टाइमिंग जो चल रही है उसी के हिसाब से, जैसे ही टाइमिंग चालू होगी मतलब बंद होगी उसी समय ये स्टॉक मतलब ये जो क्रिप्टो करेंसी है ये लिस्ट हो जाए। मतलब आपको यहाँ पे बाइंग सेलिंग देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे ये बाइंग सेलिंग यहाँ पे आपको दिखेगा, ठीक है। आपको करना क्या है, मैं एक नॉर्मली दूसरे एक स्टॉक पे बता देता हूँ कि आपको करना कैसे है। आपको जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई भी एक ऐसा स्टॉक हो, ये है हमारे पास, हमको सेल करना है, तो ये जो यहाँ पे लकीर है ये आप देख रहे हैं, इसको हमें 100 पे करना है। कहाँ पे करना है क्लिक, 100 पे। ये 100 पे आ गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं 100%। और यहाँ पे जो लिमिट है, लिमिट को हमको बढ़ा के यहाँ पे करना है मार्केट पे। करने के बाद फिर उसके बाद यहाँ पे हमें सेल करना है, ठीक है ना। जैसे ही 5:30 बजेगा हमें यहाँ पे सेल करना है। देखिए हमारे पास नहीं है तो यहाँ पे दिख रहा है प्लीज़ इंटर क्वांटिटी, ठीक है, क्योंकि हमारे पास है ही नहीं ये। इसी प्रकार जब डॉग आप करेंगे तो पूरा जो डॉग का जो क्वांटिटी है वो यहाँ पे आपको दिखना लगेगा और ये 100% रहेगा। आप यहाँ पे सेल करेंगे वो तुरंत सेल हो जाएगा, ठीक है। अगर आप 5:30 बजे से आप थोड़ा भी अगर आप लेट करते हैं, भूल जाते हैं या कुछ मिस होता है तो एक ऐसा डंप देखने को मिलेगा कि वो बहुत ही जैसे नीचे आ जाएगा, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा नीचे आ जाएगा, तो आपको वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा। जैसे ये देखिए, ये जब डॉज आया था, डॉज में एक ऐसी जब सेलिंग आई थी तो धीरे धीरे करके ये नीचे आ चुका था, ठीक है ना। तो फिर अब ये धीरे धीरे करके बढ़ रहा है, ठीक है। पहले तो $0.45 पे था, अभी ये बहुत नीचे आ गया था। जब सेलिंग होती है ना, फर्स्ट डे होता है, वो बहुत ही ज़्यादा नीचे आता है। तो सबसे पहले आपको यही करना है, ध्यान यही आपको देना है कि सबसे पहले आपको जैसे ही डॉग यहाँ पर लिस्टिंग होगा सबसे पहले आपको सेलिंग पे ध्यान रखना है। सेल आपको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना है। 5:30 बजे आप 5:30 बजे एक बार प्राइस बहुत ही ज़्यादा ऊपर जाएगी उसी के ही आसपास आपको सेल करना है। अगर आप यहाँ पे सेल करना थोड़ा सा भी चुके तो आपका जो
पैसा है वो माइनस होने लगेगा, ठीक है। मतलब उसका रेट कम होगा तो ऑलरेडी आपको प्रॉफिट कम मिलेगा, ठीक है। सेल करने के बाद आपको करना क्या है, अगर आप वो निकालना चाहते हैं पैसा तो आप निकाल सकते हैं, उसका भी मैं तरीका बताऊंगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको यहाँ पे डाउनलोड करना पड़ेगा कॉयन DCX। कॉयन DCX अगर आप डाउनलोड करेंगे तो इस पे आप INR में सेल मतलब अपने अकाउंट में ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे पूरा फॉलो करना पड़ेगा सब कोई चीज़ आपको। देखिए मैं फिंगरप्रिंट वगैरह ये सब लगा के रखा हूँ, तो यहाँ पे आपको ऐसे ही सेम कर लेना है, पूरा अकाउंट यहाँ पे आपका दिखेगा। यहाँ पे आपको आप एक बार जब कर लेंगे बना लेंगे, फिर मैं इसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा कि कैसे आपको फंड को अपने अकाउंट में विड्रॉल करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सारी डिटेल यहाँ पे मैं बना के रखा हूँ, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा अकाउंट वगैरह सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो उसी के हिसाब से आप डायरेक्ट इससे आपके अकाउंट में आ सकता है, ठीक है। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी आपको इस पर ध्यान देनी है। देखिए मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कि बहुत लोगों का यहाँ पे एसेट पे दिख रहा है, ठीक है, और यहाँ पे दिख रहा है डॉग, और बहुत लोगों का यहाँ पे स्पॉट पे दिख रहा है इसमें। तो आप कंफ्यूज ना होइएगा कि मेरा यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो बस आपको सीधे करना क्या है, यहाँ पे डॉग का लिख लेना है आपको, डॉग ये स्पेलिंग रहेगी DOGS USD करके आएगा, और ये जैसे ही बंद होगा वैसे ही आपको यहाँ पे ट्रेडिंग देखने को मिल जाएगी। आपको बस खाली सेल करना होगा। कोई भी ऐसा प्रॉब्लम आपको आए तो आप ज़रूर मेरे को कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। धन्यवाद।